राळा झाला रे बाबा राळा झाला। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना, बिग बॉस मराठी सीजन 5। हम सबको पता है रितेश देशमुख का ये शो ग्रैंड स्टार्ट ले चुका है, कंटेस्टेंट्स शो के अंदर आ चुके हैं और ऐसे में पहला पंगा हो गया है। और ये पहला पंगा किसकी तरफ से हुआ है? ये पंगा हुआ है खुद बिग बॉस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहला पंगा जो है वो हुआ है बिग बॉस की तरफ से। बिग बॉस मराठी के होस्ट जो हैं उनकी तरफ से आई है आवाज, जहां पे स्टेज पे हम सबको पता है कि या तो आपको 10,000 रुपए लेने थे या तो फिर आपको जो है लेना था क्या, पावर कार्ड लेना था। ऐसे में कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जैसे कि निकिता मौली जैसे कि, और उन्होंने जो है पैसे ना लेकर बड़ी एक चुनौती को अपने सर पे बुला लिया, जिसकी वजह से अब किचन की कुछ चीजें गायब हैं, खाना कैसे बने भला, और साथ ही साथ गर्म पानी नहीं आ रहा है यानी कि वॉशरूम में दिक्कत है। और ऐसे में ये जो पूरी दिक्कत है इसकी वजह से बिग बॉस के घर वाले जो हैं वो काफी ज्यादा तिलमिला रहे, जलबिन मछली जो होती है ना वैसे तिलमिला रहे हैं, और उससे होगा फिर झगड़ा। ऐसे में फिर उसके बाद उन कंटेस्टेंट्स पर उंगलियां उठाई जाएंगी जिन कंटेस्टेंट्स ने 10,000 जो है नहीं लिया। मजा आ गया ना, बिग बॉस का गेम जबरदस्त है ना। खैर वैसे मेरा रिव्यू जल्द आने वाला है, रिव्यू जस्ट शूट किया है, आप लोग उसका वेट कीजिए। लेकिन प्रोमो देखकर तो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भैया अब तो आएगा असली मजा, जब कंटेस्टेंट्स जो हैं आपस में छोटी छोटी एमिनिटीज को लेकर आपस में झगड़ेंगे और प्लस यही बोलेंगे कि स्टेज पे जब तेरे को बोला था पावर कार्ड लेने या फिर पैसे लेने, तूने पैसे क्यों नहीं लिए। राइट, सो आपको क्या है कहना कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, हाउ मच एक्साइटेड यू आर। आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका।